बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के इस स्मृति आयोजन में उपस्थित दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय राज्यपाल गौतम जी, राकेश बिरला जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, यहाँ उपस्थित सभी विधायकगण और इस समाज के लिए अपने अपने तरह से योगदान देने वाले इस सभागार में उपस्थित सभी साथियों, समाज के अंदर किसी भी सिस्टम की जड़ता के खिलाफ आवाज और प्रश्न उठाने वाले प्रतीक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कोई भी सिस्टम बनता है, कोई समाज की संरचना बनती है, कोई भी परंपरा बनती है, लेकिन जब धीरे धीरे वो समाज की विरोधी हो जाती है और सत्ता के तंत्र जब उस पर हावी हो जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों के लिए सवाल उठाना मुश्किल हो जाता है और जो प्रश्न करता है उसे उसकी कुर्बानी देनी पड़ती है। आज देश के सामने एक पुनः जिस तरह की सत्ता कायम हुई है, जिस मनुवाद के खिलाफ, जिस मनुस्मृति की नियमों और कानूनों के खिलाफ, जिस मनुवाद को खत्म करने के लिए डॉक्टर साहब ने अपनी लड़ाई को लड़ी थी, आज इस देश में सोचे समझे तरीके से एक नए मनुवाद को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। मनुवाद क्या है? कुछ लोगों के वर्चस्व को इस समाज के अंदर थोप दिया जाए, जो वो बोले वही सच है और जो वो ना बोले वो झूठ है, इसी का नाम है मनुवाद। आज इस देश के अंदर दोबारा ये कोशिश की जा रही है कि एक व्यक्ति जो बोलता है वो देश बोलता है और जो देश बोलता है वो गलत होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली की सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को, संविधान की मनु आत्मा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन सरकार के काम करने की एक सीमा होती है। समाज को डॉक्टर साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए इस देश के अंदर जो नया मनुवाद स्थापित करने की कुछ शक्तियां कोशिश कर रही है, संगठित रूप से कोशिश कर रही है, उस नए मनुवाद को भी चुनौती देने के लिए वैचारिक रूप से खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो नए मनुवाद की शक्तियां हैं, इस देश के अंदर एक सबसे बड़ा झूठ बोल रही है भारत के नाम पर, भारतीयता के नाम पर। मैं आपसे केवल दो बातें कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। ठंडे दिमाग से इस बात को सोचना, भारत की परंपरा वो परंपरा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है, भारत की परंपरा वो परंपरा नहीं है जो आरएसएस बोलती है, भारत की परंपरा वो परंपरा नहीं है जो आज देश का प्रधानमंत्री बोलते हैं। भारत की परंपरा ये रही है कि एक गुलदस्ते के अंदर हर तरह के फूल खिलते रहे हैं, हर तरह के लोग अपनी बात को उठाते रहे हैं। दुनिया के अंदर तमाम सभ्यताएं पैदा हुई, तमाम विचारधाराएं पैदा हुई, तमाम सत्ता के केंद्र पैदा हुए, लेकिन भारत एक अकेला देश है जिस देश के अंदर चार्वाक दर्शन पैदा होता है। भारत अकेला देश है जहां पर जैन दर्शन पैदा होता है, भारत अकेला देश है जहां बौद्ध दर्शन पैदा होता है, भारत अकेला देश है जहां सांख्य दर्शन पैदा होता है, भारत अकेला देश है जहां जैन दर्शन पैदा होता है, भारत अकेला देश है जहां वैशेषिक दर्शन पैदा होता है, भारत अकेला देश है जहां मीमांसा पैदा होती है, भारत अकेला देश है जहां विवेकानंद पैदा होता है। इस भारत की परंपरा रही है एक साथ इस देश के अंदर नौ दर्शन, नौ विचारधाराओं को खिलने का, फूलने का, आगे बढ़ने की परंपरा रही है। लेकिन जिस तरह से आज षड्यंत्र करके भारत की परंपरा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, भारतीय विचारधारा को चंद लोगों की विचारधारा बना करके देश की विचारधारा थोपी जा रही है, ऐसे ही कुछ षड्यंत्रकारियों ने मिल करके भारत की उस विविधता भरी परंपरा को, विचारधारा को तकलील किया और उसका परिणाम हुआ कि ये देश धीरे धीरे सिमटता गया, छोटा होता गया। जब नया दर्शन था, वैशेषिक था, मीमांसा था, जैन था, बौद्ध दर्शन था, इस देश का नाम पूरे दुनिया के अंदर था। पूरे दुनिया के अंदर हम विज्ञान में आगे बढ़े, कैसे बढ़े? क्योंकि हम तर्क करना जानते थे, हम पूरे दुनिया के अंदर तमाम तरह के खोजों को लेकर के आगे बढ़े। जब इस देश के अंदर विविध विचारधारा थी, देश का गौरव पूरे दुनिया में गया, और जब इस विचारधारा को मनुवाद ने, मनुस्मृति ने एक किताब के अंदर बंद कर दिया, धीरे 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 देश कमजोर हुआ, देश गुलाम हुआ,
आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आर्थिक प्रगति के लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन इस देश को और इस देश के रहने वाले समस्त भारतीयों के विकास के लिए वैचारिक लड़ाई को भी लड़ना पड़ेगा। और नए मनुवाद से और नए मनुवादियों को अंबेडकर की तरह उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा, तब नया भारत बनेगा, नया विकास का रास्ता खुलेगा। और उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं, कुदरत ने आम आदमी के रूप में एक नया संगठन को पैदा कर दिया है, जो संगठित होकर के लोगों को शिक्षित करने का अभियान लेकर के सरकार चल रही है। और समाज के उस हर तबके को, उस हर आखिरी इंसान को, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसकी आवाज को बुलंद करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। हमें उम्मीद है कि हम शिक्षा के रास्ते को आगे बढ़ाएंगे, हम संगठित होंगे, हम संघर्ष करेंगे और भारत के अंदर भारत की पताका को बुलंद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।